जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या डाइट लेनी है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आपको अब उस डाइट के साथ कौन से वर्कआउट करने हैं। आई होप कि आपने वो डाइट स्टार्ट कर दी है, तो अब उस डाइट के साथ साथ आपको ये वाले वर्कआउट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग विद इन अ मंथ 3 to 4 kg बड़े आराम से आप लूज़ कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट वर्कआउट की। तो फर्स्ट वर्कआउट हमारा रहेगा हाई नीज। ओके, हाई नीज में आपका बहुत ज़्यादा वेट लूज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका होल बॉडी वर्कआउट करती है। ठीक है, तो हाई नीज आपको कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। आपके हाई नीज के 3 सेट लगेंगे, और 3 सेट्स में आपको 10-10 रैप्स लगाने हैं। बाद में आप जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, आप लोग अपने रैप रेपिटेशंस बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो देखिए आपको ये किस तरह से करना है। हाई नीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट सेट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट सेट हो गया, और फर्स्ट सेट के बाद आपको सेकेंड और थर्ड सेट भी बिल्कुल ऐसे लगाना है, और हर एक सेट में आपको 10-10 रैप्स लगाना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेकेंड सेट रहेगा उसमें भी आपको जंप्स लगाना है, पर जंप्स लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको किस तरह से जंप्स लगाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस सेट को भी बिल्कुल इसके 3 सेट्स लगाने हैं, और हर एक सेट में आपको 10-10 रैप्स लगाने हैं। ये मेरा सेट। थर्ड सेट में आपको एक वेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उस वेट के थ्रू आपको अपनी साइड कटिंग करनी है, क्योंकि फैट मैक्सिमम दिखती है साइड्स पे। तो इन साइड्स की फैट को आप कैसे कट करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक डंबल चाहिए होगा। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप वेट प्लेट या कोई हैवी चीज़ जिसको आप अच्छे से पकड़ सकते हो वो ले सकते हो। उसके बाद अब आप अपने पैरों को जोड़िए। ठीक है, और नेक्स्ट अब आपको टर्न होने एक साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब अगेन दूसरी साइड से भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, कुछ लोग जब वेट पकड़ते हैं तो वो कैसे लगाते हैं ये देखिए। 1, ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको अपनी जो आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, और बिल्कुल बेंट होना है, ज्यादा बेंट नहीं होना है, और ना ही ज्यादा फास्ट चलना है। आपको बिल्कुल आराम से 1, ना ही इस तरफ को ज्यादा मुड़ेंगे आप, बिल्कुल स्ट्रेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये रहेगा थर्ड सेट। ओके, तो अब हमारा जो फोर्थ सेट है उसमें आपको कौन सा सेट लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको स्क्वायर्स लगानी है, आपको खाली स्क्वायर्स लगानी है, और खाली स्क्वायर्स में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी लेग्स को थोड़ा वाइड रखना है। ओके, अपने हैंड्स को आगे रखिए, आप ओपन भी रख सकते हैं, आप क्लोज भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं। ठीक है, और फिर 1, 2, 3, देखिए इस सेट में भी वही सेट रहेगा, 3 सेट, और हर एक सेट में 10 रैप्स। या जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा डे बाई डे, आप 3 सेट के 4 सेट कर सकते हैं, और 10 रेपिटेशंस की जगह आप 15 कर सकते हो, 20, 25, जैसा भी आपको ठीक लगे। आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, और आप खुद ही रेपिटेशन का सेट बढ़ाते जाएंगे। एक चीज़ का आपको इसमें ये ख्याल रखना है कि आपको पूरी तरह से नहीं बैठना। ओके, आपको सिर्फ हाफ, 1, 2, 3 एंड देन 4 एंड देन 5। ओके, ये हमारे मेन सेट्स रहेंगे। 4 ही सबसे बेसिक सेट हैं होम वर्कआउट्स के। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप बहुत इजीली एक मंथ में 3 से 4 kg वेट कम कर लोगे। तो अपने घर पे कीजिए, ये 4 सबसे बेसिक वर्कआउट्स हैं। जब आप इनको करोगे आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, तो आपके ये जो वर्कआउट्स के 3 सेट हैं ये 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप जो 10-10 रेपिटेशंस लगा रहे हो ये 15 में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर ये होगा कैसे मेरे भाई, जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, ठीक है, और वो डाइट फॉलो करो जो मैंने बताई है। और ये अब वर्कआउट्स मैंने प्रॉमिस किया था, मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप ये जितने भी वर्कआउट्स बताए उनको फॉलो करो, डाइट फॉलो करो, और अपना वेट लूज करो। ओके फ्रेंड्स, तो एक चीज़ मैं ऐड करना आपको बताना भूल गया,
कि मेरा कुछ फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि सच में इस वर्कआउट से और इस डाइट से वेट लूज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं मेरी वाइफ आकांक्षा का, ठीक है, जो उनका वेट 63 या 67 इतना है, 63 या 64 शायद इतना है, तो मैं उनका वेट का एक क्लिप आपको वेइंग मशीन के ऊपर दिखाऊंगा कि उनका वेट आज कितना है। आज है 15th of July, आज उनका वेट जो भी होगा एक मंथ के बाद, वो डाइट ओके और वो वर्कआउट्स फॉलो करने के बाद उनका वेट 15th of August को कितना होगा, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सच में ये डाइट और ये वर्कआउट्स काम करते हैं या नहीं करते। ओके, सो एक मंथ के बाद जो मैं क्लिप डालूंगा उसमें खुद आप देखिएगा वीडियो में कि उनका वेट कम हुआ है या नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे वाइफ आकांक्षा, कांक्षा से हेलो। हेलो। तो ये अभी मैं इनका वेट चेक करने वाला हूँ और फिर एक मंथ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका वेट कितना लूज हुआ। आकांक्षा प्लीज वेइंग मशीन पे 2 मिनट वेट। फ्रेंड्स वेइंग मशीन के ऊपर जरा चढ़ो आकांक्षा। ओके, तो इनका वेट अभी जो शो हो रहा है वो है 63.7 kg। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं एक मंथ के बाद इनका वेट चेक करके आपको बताऊंगा कि इनका वेट कितना आया है। ओके थैंक। और बेसिक सेट्स डाले हैं, इसके बाद भी मैं और भी आपको सेट बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपना जो वेट है वो बहुत ही इजीली लूज कर सकते हैं। पहले इन 4 सेट्स को भी और